नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और इस छोटे से वीडियो में जान लेंगे, सभी को पता होगा कि फार्मेसी की एप्लीकेशन की डेट बढ़ गई है, तो इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेशन करने वाले स्टूडेंट्स के मन में ये शंका होगी या फिर ये आशा होगी कि क्या हमारी भी डेट बढ़ेगी या फिर बढ़नी चाहिए। तो चलिए उस पर थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे और जान लेंगे कि क्या हो सकता है इंजीनियरिंग वालों के लिए और फार्मेसी के लिए क्या नई डेट्स है, वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत। और सबसे पहले हम जान लेंगे कि फार्मसी की आखिर डेट कहां तक बढ़ी है और अगला शेड्यूल का क्या है। तो फार्मसी का, जैसे कि पता है सभी को, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपका एप्लीकेशन भरने के लिए अब 17 तक डेट बढ़ गई। 17 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो 4 बजे तक, और सेम जो आपका ये FC का प्रोसेस है वो भी आपको कंप्लीट करना है 17 तक के 6 बजे तक। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप 17 तारीख के 4 बजे तक भर सकते हैं और 6 बजे तक आप वो वेरीफाई करके आपका वो कंफर्मेशन का रिसीट भी प्राप्त आपको करना होगा। तो ये नई डेट से, उसके बाद थोड़ा सा बदलाव अगले सेशन में भी है, फिर अगले एक्टिविटी के लिए भी हुआ है। 18 तारीख को फिर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद 19 से लेकर 21 अक्टूबर तक आपका ग्रीवेंसेस होंगे, और आफ्टर ग्रीवेंसेस और उनके रिजोल्यूशन के बाद, उनके सोल्यूशन के बाद और उनके निपटारे के बाद फिर 22 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और उसके पहले बाकी का शेड्यूल, मतलब आपके लिए सीट मैट्रिक्स कब देना है और उसके बाद आपके लिए ऑप्शन फॉर्म कब खोलने, वो सारा शेड्यूल एक साथ वो डालेंगे। तो चलिए, फार्मसी के लिए तो डेट बढ़ गई, तो अब स्टूडेंट्स के मन में होगा कि इंजीनियरिंग का क्या हो सकता है। तो अगर इंजीनियरिंग का अगर डिमांड ज़्यादा रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की सीटी सेल को कि हमारे अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, या फिर कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकते हैं, OMS स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे आने में दिक्कत है। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं यहाँ पे आना पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है, तो वो भी दिक्कतें उनके मन में है। उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट में देरी हो रही होगी, हर साल का ये है, हर साल ऐसा ही होता है, डॉक्यूमेंट देर से मिलते हैं, तो थोड़ा सा एक एक्सटेंशन आपको अपेक्षित करते हैं आप लोग, उनके डिमांड करते हैं। तो अगर हर साल का ट्रेंड देखें, हर साल की बात देखें, तो आपको कम से कम एक एक्सटेंशन तो मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है कि वो आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, एक बार तो डेट आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जनरली हर साल क्या होता है, अगर देखा तो पिछले कुछ साल का अगर इतिहास देखा, पिछले साल कुछ साल का अगर एक्टिविटी शेड्यूल हमने देखा, तो हमें पता चलता है कि कम से कम एक एक्सटेंशन तो मिला है, कई बार एक से ज़्यादा भी बार डेट बढ़ी है। तो ये एप्लीकेशन की डेट थोड़ी सी बढ़ती है, कम से कम 20-25 एक महीना तो एप्लीकेशन के लिए होता ही होता है। और अभी एक एक्सटेंशन अगर आपको मिला तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, मुझे लगता है कि एक एक्सटेंशन आपको मिलेगा। अगर मिलता है तो भी मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा, अगर नहीं मिलता है तो भी मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।